subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. सिखता हूँ राहु में कोर्ट कचहरी में जीत, हर तरीके की वखर में जीत, कहीं पर भी फंसेगा आदमी निकल जाएगा, ठीक है। दे हैव गॉट द पावर टू डिफीट देयर कॉम्पिटिटर। सिखता हूँ उसमें राहु वाले के नाम पे टेंडर भरो तुरंत निकलेगा, तुरंत। सिखता हूँ जो लोग को एक आदतन केस लगाने वाले नहीं होते कुछ, इनका जॉब ये जो बोर्ड पे लिखते हैं ये वाली चीज तारीख सुब्रमण्य स्वामी टाइप सिक्स हाउस राहु और जीतेगा जीतेगा सिक्स हाउस का राहु क्योंकि सिक्स हाउस का राहु मन में रख लेता है वहां मन में रख लेता है और जब मौका आएगा तब चौका मारेगा और इतनी जोर से मारेगा कि फिर आदमी सिर मिलाता रहे, ठीक है। वही फिर वो मैनेज नहीं कर सकता उसको, मन हाँ वो छुपा के रखता है वाक को और ऐसी जगह पर चोट करेगा कि आप उस समय पर उसकी उस चीज का इलाज नहीं, ठीक है। तो सिक्स हाउस राहु का पोजीशन बहुत अच्छा होता है, ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं, जिसके यार है जिससे दुश्मनी है उससे दुश्मनी है, सिंपल सी बात है। और दुश्मन कभी भी जीत नहीं सकता जब तक कि बहुत ही गलत मानसा नहीं करती, दुश्मन नहीं जीत सकता, है ना। क्योंकि राहु निकाल लाता है उसको, घटास्थान गृढ़ रोग शत्रु निकाल देता है, बट इट इज नॉट अ गुड पोजिशन फॉर हेल्थ, इट इज नॉट अ गुड पोजिशन फॉर हेल्थ, इट इज नॉट अ गुड पोजिशन फॉर किडनी, क्योंकि सिक्स हाउस में किडनी आ जाएगी। इट इज नॉट अ गुड पोजिशन फॉर योर बैक, तो बैक में टर्बुलेंस रहेगा, मतलब फ्लक्चुएशन चलेगा, जीवन में एक आध बार पीठ के चक्कर में पट्टा बांध के जरूर घूमेगा। अभी आप घूमे हो कहीं अभी तक नहीं घूमे, ठीक है। फिर सिक्स हाउस में आपको घुटने वाला पोर्शन आ जाता है, तो घुटनों में तकलीफ, यहाँ पर तकलीफ क्रिएट करेगा, तो लोअर एब्डोमेन जो है उसको कमजोर करेगा सिक्स हाउस का नाम, तो लोअर एब्डोमेन में इश्यूज हो सकते हैं। दिस पीपल शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर फूड हैबिट, ठीक है। तो सिक्स हाउस राहु इज अ गुड कॉम्बिनेशन, इट इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर राहु, इट विल मेक समबडी अ विक्टोरियस मैन, वो जो है उसको विजय दिलाता है सिक्स हाउस का राहु। लेकिन किसी भी हद तक जा सकता है अपने कॉम्पिटिटर को मिटाने के लिए, किसी भी हद इन दैट केस इट विल बिकम, हाँ सोच ले तो इन दैट केस इट विल बिकम रूथलेस, अगर सोच लिया तो फिर ऐसे लोगों से पंगा लेने से पहले सोच लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो फिर राहु एक बार एक्टिव हो जाता है तो फिर वो काम खत्म करके ही घर आता है पहले आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा सिक्स हाउस क्योंकि 3 से 11 में पाप ग्रह अच्छे होते हैं, दूसरों के कष्ट से दूसरों के कर्जे से इनको लाभ, तो इनको लाभ मिलता है दूसरों के कष्ट से, दूसरों को नौकरी दिलाने से लाभ, दूसरों के काम कराने से लाभ। सेवन हाउस राहु इज नॉट गुड फॉर मैरिज, नॉट एट ऑल गुड फॉर मैरिज, ठीक है। अगर सेवन हाउस का लॉर्ड भी वीक है तो तलाक करा देगा, ठीक है। सेवन हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस के अंदर है पक्का तलाक करा देगा, सेवन हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में है राहु सप्तम में पक्का तलाक करा देगा, ठीक है। सेवन हाउस का राहु एक आस्पेक्टेड बाय मंगल शादी में धोखा, सेवन हाउस का राहु इफ आस्पेक्टेड बाय मंगल और आस्पेक्टेड बाय शनि शादी में धोखा मिलेगा और वो धोखा पकड़ा जाएगा क्योंकि राहु पकड़ा जाएगा, तो वो बाहर आएगा किसी दिन, या मंगल तो वो किसी दिन बाहर आएगा कि अरे इनकी तो डेट ऑफ बर्थ ये थी ये कुंडली जो है वो उन्होंने हमारे हिसाब से मिला ली, हमारी कुंडली के हिसाब से, या अफेयर था फलाना था ढंका था जो भी था, बट सेवन हाउस पर अकेला राहु अगर मंगल मंगल के साथ में हो तो ठीक है। अब क्या है जैसे सेवन हाउस का राहु है ना, तो उसको उसको जो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का शौक बिल्कुल अलग अलग प्रकार का रहेगा, ठीक है।
है बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा टाइम और बिल्कुल सस्पेंस आज मतलब क्या पता कब क्या निकले माहौल में वैसा बिल्कुल लैवरेज हो कुछ तो भी हो रहा है जो भी मर्जी आ रही है उस तरीके का चल रहा हूँ अपना ठीक है। शादी में धोखे का मतलब यह है कि पता चला कि भाई जो जिनसे शादी उनका पहले कोई अफेयर था पहले कोई सगाई टूटी थी इनको पता नहीं है हो सकता उनकी एज गलत बता दी गई हो सकता है पत्रिका गलत मिला दी गई हो उनकी कुंडली के हिसाब से बना दी गई हो सकता है उनकी जाति अलग हो हाँ सेवन हाउस का राहु में जाति विवाह में जाति अलग होने की संभावना बहुत रहती है ना इंटरकास्ट मैरिज की संभावना बहुत रहती है। सेवन हाउस का राहु इस एस्पेक्ट में मंगल तो शादी में वॉयलेंस की संभावना भी रहती है ठीक है। देखो ये जो फैक्टर्स है इनके साथ बहुत सारे और फैक्टर है सेवन हाउस का लॉर्ड पता चला वो अच्छे जगह बैठा है दवा इसमें सेवन हाउस का लॉर्ड उच्च का अब राहु को ब्याहु भी कहते हैं राहु की मानसा में ब्याह हो जाता है राहु इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज वेरी फ्यू पीपल नो वेरी फ्यू पीपल यूज इट ठीक है। तो सप्तम स्थान का राहु जरूरी नहीं है कि हमेशा गलत करे जरूरी नहीं है क्योंकि हमें बाकी चीजें देखनी पड़ेंगी लॉर्ड देखना पड़ेगा सेवंथ हाउस का सेवंथ हाउस का किसका एस्पेक्ट है वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी बट सेवंथ हाउस का राहु इज जनरली नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर मैरिज ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो बाजार में आए वो चीज वो अकेले ही रहा हुआ आदमी अंदर से बट अगर ये कुंडली सही है सेवंथ हाउस राहु एस्पेक्टेड बाय मंगल जो मैं कह रहा हूं वो सत्य मैंने उसने एक बार हाथ मोड़ दिया उसको लेकिन वॉयलेंस होता तो हो ही नहीं सकता कि वॉयलेंस नहीं क्योंकि मंगल राहु विस्फोट अंगारा की हो गया ऐसा तो होगा ही नहीं कि वॉयलेंस नहीं हो सप्तम स्थान में अगर आया तो होगा कभी ना कभी तो वो ग्रास फेंके ग्रास तो फेंकेगा वो डिपेंड करता है लग्नेश पे कि वो कितना एक्सप्रेस कर पा रहा है वो कितना एक्सप्रेस कर पा रहा है बट देखो आइडियल पोजीशन में ये है अगर अगर केवल ये पकड़े अपन ये नहीं देखेंगे सेवन हाउस का लॉर्ड कहा है क्योंकि मुझे नहीं पता कहा है नवांश में कैसा है तो राहु और मंगल इफ इट इज एस्पेक्टेड बाय सेवन एस्पेक्टेड इन द सेवन हाउस देयर विल बी प्रॉब्लम इन मैरिज देयर कैन बी वॉयलेंस इन मैरिज मांगलिक तो हुई है ठीक है देयर कैन बी अनएक्सपेक्टेड अनबियरेबल डिमांड ऑफ सेक्स ठीक है। सेवंथ हाउस रूल इज जनरली कंसिडर्ड नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर मैरिज और वो मतलब वो जाती है घर लौट के जरूर आती है एक बार दो चार महीने के लिए फिर अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड वॉर्ड ठीक है तो दोबारा वो लौट जाएगी और जाएगी जरूर जरूर ठीक है। तो एट हाउस का राहु इज लाइक बोथ वेज जैसा पंकज कह रहा है दोनों ही तरीके से जो है वो काम करता है। अष्टम स्थान में अगर राहु गलत है तो अष्टम स्थान कष्ट का स्थान उसमें कष्ट के पिताजी राहु ठीक है तो ऐसा व्यक्ति घिसता ही रहता है जिंदगी में उसका काम एक बार में नहीं है कुछ भी करता एक बार में काम नहीं है ठीक है। हाँ ठीक है फिर एट हाउस इज सेवन सेकेंड टू सेवन एट हाउस राहु इज नॉट गुड फॉर द पार्टनर पत्नी की एज इट इज नॉट गुड फॉर द पार्टनर और एट हाउस राहु या तो ससुराल में जमा रहेगा मतलब कि लड़का है तो ससुराल कई काम करेगा जिंदगी भर घर जवाई टाइप और बिना इज्जत का घर जवाई बेहतरीन है ना और लड़की है तो कुछ भी कर ले ससुराल में यश नहीं मिलेगा गर्दन भी काट के दे देगी ससुराल में यश नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि एट हाउस में राहु है
तो ये विपरीत कराता है, उल्टा कराएगा। तो लड़का अगर है तो अपने यहां क्या है, लड़के ससुराल के नजदीक नहीं रहते, लेकिन वो क्या करेगा, ससुराल के नजदीक लाएगा उसको। ससुराल इतना आएगा जाएगा कि इज्जत ही खत्म हो जाएगी। खूब करेगा ससुराल के लिए, पड़ेंगे जूते, करेगा उन्हीं के लिए। क्यों? क्योंकि राहु जहां रहता है वहां का श्राप रहता है। अष्टम के राहु में ससुराल का श्राप रहता है। अष्टम के राहु की रेमेडी मैं देता हूं लड़कों को कि जाओ ससुराल वालों की सेवा करो और उनसे जूते खाओ। क्योंकि सिंपल सी बात है, एट्थ हाउस राहु इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर साइंटिस्ट, वेरी गुड प्लेसमेंट। दीज पीपल विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत प्रश्न करेंगे, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। इनको आपने मेल आईडी इनके सामने खोला, ये 15 मिनट बाद आपका मेल आईडी खोल के देखेगा। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो थिंग्स एंड दे कैन इजिली, वो पागल हो जाएंगे अगर एक बार कोई चीज उनको समझ में आ गई कि इसको खोदना है। तो अष्टम स्थान गड्ढा, उसमें राहु, राहु इज क्यूरियस, ठीक है, सस्पेंस, तो पागल हो जाएंगे उस चीज को खोजने के लिए जब तक खोज के नहीं लाएंगे। ये इसका पॉजिटिव है। एट हाउस राहु इफ एस्पेक्टेड बाय जुपिटर इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर ध्यान समाधि, क्योंकि वो वहां पर कुंडलिनी को जागरण करेगा, ठीक है। एट हाउस राहु सेक्सुअल ऑर्गन, लोअर पोर्शन, तलवे, इन सब में हमेशा दर्द रहेगा, सेक्सुअल ऑर्गन से संबंधित डिसीज। अगर फीमेल का ऐसा उसका राहु है तो उनको मेंसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ओवरऑल इट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। अष्टम का राहु वाले बहुत कष्ट में, क्या ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड अष्टम में है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड अष्टम में, यानी कि प्रॉपर्टी का लॉर्ड अष्टम आकस्मिक धन में, इसीलिए इट इज विथ राहु, तो इसको गड़ा हुआ भी मिलने की संभावना है। और ये राहु इसलिए इसको खींच के लेके गया होगा, कैथोलिक तो मिलेगा ही जो अष्टम स्थान है, नहीं उनका फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट हाउस, फोर्थ हाउस इज प्रॉपर्टी, एट हाउस व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द एट हाउस इट इज पैतृक संपत्ति, तो इफ इट इज विद राहु तो वो एकदम से उसको हाइट पे लेके जाएगा। फिर प्रॉपर्टी का लॉर्ड एट हाउस में आ गया, ऐसे लोगों को एक खजाने वजाने मिलते हैं जो नीचे खोजने मिलते हैं, ऐसे अष्टम गड्ढा है तो बस प्रॉपर्टी का लॉर्ड चला गया, राहु अलग बैठ गया, ऐसे लोगों को मिल जाता। इफ दिस राहु इज गुड, दीज पीपल कैन टेल कि कहां पे खजाना है, दीज पीपल कैन टेल, ठीक है। अब अगर एट हाउस में राहु है, सेकेंड हाउस में बुध, सेकेंड हाउस में केतु होगा, ठीक है, सेकेंड हाउस में केतु अगर बेनिफिट के साथ में है तो ऐसे लोग बहुत कम बोलेंगे, अंदर ही अंदर बहुत काम चलेगा, बोलेंगे कम। अगर एट हाउस का केतु अकेला है, भयानक बोलेंगे, जबरदस्त और अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, बिकॉज सेकेंड हाउस केतु, एट हाउस राहु इज वेरी गुड फॉर प्रेडिक्शन, केतु इन सेकेंड हाउस इज वेरी गुड फॉर प्रेडिक्शन, इट इज कॉल्ड काली जवानी, ठीक है, काली जवानी, ठीक है। सो एट हाउस राहु इज नॉट गुड ओवरऑल अंटिल और अनलेस इट इज, जैसे पंकज ने कुंडली देखा, इट इज अफेक्टेड बाय सम गुड प्लैनेट, ठीक है, और इट इज विथ, इट इज इन शुक्र राशि, शुक्र की राशि हो, मैं हो लग्नेश की राशि में हो तो वो लग्नेश जैसा काम करेगा, ठीक है। तो एट हाउस के राहु में लेकिन डिसीज रहेंगी, ये लोग सुबह उठेंगे इनके पैरों में दर्द होगा, ठीक है, लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ अर्थराइटिस, जोड़े दुख रहे हैं, ठीक है, फिर एसटीडी मतलब कि कब जो है ये हो रहा है, वो हो रहा है, फाइल्स की डिसीज हो रही है, फिर अष्टम स्थान का राहु में तंत्र मंत्र की संभावना रहती है।
एक्शन चाहिए इनके ऊपर। वो राहु पॉजिटिव होगा तो वो प्रैक्टिस करेगा, वो राहु अगर पॉजिटिव होगा तो फिर उसको वो शक्ति मिलेगी, और अगर वो राहु पॉजिटिव नहीं है, नॉर्मल है या नेगेटिव है, तो उसको वो मतलब कहीं भी नजर लग रही है सबसे पहले उसको लग जाएगी। बहुत ही अच्छा गुरु की दृष्टि राहु पर अगर अष्टम में बढ़ जाए तो बहुत ही, हम कल गुरु जी की पूरी डिस्कस कर लेंगे, इट्स वेरी गुड। ठीक है, नाउ नाइन्थ हाउस राहु पितृ दोष, पाकिस्तान में राहु गुड, मैंने बताया ना इट इज वेरी गुड फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अब अगर यही एट्थ हाउस का राहु उसमें इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड आके बैठ जाए इसके साथ में, तो एकदम से लॉटरी सट्टा, नीचे गड़ा हुआ धन, कोई मर जाए वो पैसे दे जाए, ये सब एट्थ हाउस का राहु विथ इलेवेंथ हाउस का। रिजल्ट तो बताएगा, बट आप, मैं समझता हूँ आप लोगों को अब टेक्निक पता चल गई है कि जो जो पल्ला जोड़ता जा रहा है उसको ऐड करते जाना है। ठीक है, सो नाइन्थ हाउस राहु इज पितृदोष, इट इज नॉट गुड। ऐसा व्यक्ति अपना धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म भी पालन कर सकता है। दीज पीपल आर रेमेडियस टू देयर धर्म, ठीक है, दे आर अनऑर्थोडॉक्स पीपल, उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए धर्म के क्षेत्र के अंदर। ठीक है, गुरु विद्रोही, पिता विद्रोही, नाइन्थ हाउस का राहु वाले का पिता जल्दी चला जाएगा। नाइन्थ हाउस का राहु होगा उसके पिता से वैचारिक मतभेद होंगे ही होंगे, पिताजी नहीं जाएंगे तो, पिताजी नहीं भी जाएंगे तो पिताजी का लॉर्ड कौन है, कहां पर है, फिर इसीलिए पिताजी से क्योंकि तो गुरु के साथ में पिताजी तो राहु है, लेकिन पिताजी से पटेगी नहीं, पटती है क्लियर, क्योंकि वो उसका नेचर। तो फिर नाइन्थ हाउस का राहु है, पिताजी का लॉर्ड अगर सेफ है, पिताजी नहीं जाएंगे, पिताजी से अलग कराएंगे या तो, या वो घर में ही अलग अलग ही रहेंगे, इधर लड़का अंदर बाप बाहर, बाप अंदर लड़का बाहर। ठीक है, भाग्य में भारी कमी करता है भाग्य के अंदर, क्योंकि भाग्यस्थान में राहु बैठ जाता है, भारी कमी करता है। ठीक है, तो लक के केस के अंदर नेगेटिव रिजल्ट देता है। नाइन्थ हाउस के राहु में लक से नहीं मिलेगा, मेहनत से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस जन्म का जो भाग्य है उसमें राहु बैठा है, तो पिछले जन्म का अगर घर ठीक है तो अच्छा परिवार सब कुछ मिलेगा, पंचवेश अच्छा है तो अच्छा परिवार मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, बाप माँ अच्छे मिलेंगे, लेकिन आप जब खुद का करने जाओगे तो फिर राहु, क्योंकि ये सब अपना करने जा रहे हो, ये तो सब सब लास्ट बर्थ से प्रदत्त है, जो फादर जो उनका इनकम क्लास, उनका पूंजी, वो तो सब लास्ट बर्थ से। नाउ व्हेन यू गो टू डू योरसेल्फ तो फिर राहु बैठा है नाइन्थ हाउस में, आपका भाग्य साथ में दे, इसकी इसकी रेमेडी गायत्री मंत्र, इसकी रेमेडी गायत्री मंत्र, इसकी रेमेडी गायत्री मंत्र है, इसकी रेमेडी ध्यान है, इसकी रेमेडी केवल अध्यात्म है, इसके अलावा और कोई रेमेडी नहीं। नाइन्थ हाउस प्लेसमेंट इज वेरी बैड, वेरी बैड नाइन्थ हाउस प्लेसमेंट। ठीक है, राहु का क्यों, क्योंकि धर्म में आस्था नहीं आने देता। ठीक है, तो तेरा गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन पंचम स्थान को देख रहा है राजा, इसलिए तेरी साधना अच्छी है। ठीक है, तो ये पंचम स्थान साधना का है, तो गुरु चंद्र कॉम्बिनेशन फिफ्थ को देख रहा है, तो साधना अच्छी है, तुम चल रहे हो, पर वो ब्लॉकेज जो नाइन्थ हाउस का राहु पितृदोष कारक है, वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा बार बार। ठीक है, बार बार वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, तो नाइन्थ हाउस राहु इज नॉट कंसिडर्ड गुड। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो फिर भी वृषभ का राहु है, कर्क का राहु है। ठीक है, तो जिस घर में बैठा है वो आदमी गुरु के साथ में बैठा है, इसलिए वो राहु इतना नेगेटिव नहीं करेगा, अदरवाइज टाइम था उसका राहु हेटा से तो अलग कर ही देता तुरंत। ठीक है, या फिर जब आप पैदा होते हो तो पिताजी के लिए खराब समय चालू होता है, मतलब पिता पे भारी, ना पिता पे भारी जब आप पैदा होते हो, तो दिस इज नाइन्थ हाउस राहु। ठीक है, एंड देन
मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि ये प्लेनेट के साथ में हमें उसका लॉर्ड वॉर्ड वो सब देखना पड़ेगा तभी हम, और बाकी प्लेनेट क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन मार कर पाएंगे। ठीक है, आपने देखा जब आप मुझे बोलते हो कि ये चीज जो प्रिंसिपल ही बोलो नहीं होती तो मैं उसके तुरंत बाद दूसरी कुछ चीज पूछता हूँ कि भाई उसका लॉर्ड कहाँ है। तो लॉर्ड अगर सेफ है, पिताजी का लॉर्ड सेफ है तो पिताजी नहीं जाएंगे, और उसमें राहु बैठा है तो पिताजी से आपका वैचारिक मतभेद होगा ही, कुछ भी कर लो। ठीक है, या फिर जिस दिन आप बहुत जोर से अर्न करने लगोगे तो फिर आप पिता के विद्रोही हो जाओगे। क्योंकि वो राहु है, उसका नेचर है। तो दशम का राहु, तो दशम का राहु कहते राजयोग कारक, टेंथ हाउस का राहु, इट शोज पॉलिटिक्स एज ए करियर, इट शोज कॉर्पोरेट एज ए करियर, है ना। ये लोग छोटा काम की जगह बड़ा काम, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, कॉर्पोरेट, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेना, ये दशम का राहु कराता है। आपका दशम का राहु ठीक है, दशम का राहु अच्छा होता है, बट काम बार बार चेंज कराएगा, एक काम नहीं होगा उससे पहले दूसरे काम की तैयारी रखेगा। ठीक है, बट शास्त्र में दशम के राहु को अच्छा माना गया है, स्पेशली अगर ये कन्या वृषभ कर मकर इनमें हो तो। टेंथ हाउस राहु इज वेरी गुड फॉर पॉलिटिक्स, these people generally get into politics or maybe into समाज की politics, छोटी मोटी politics, किसी के अंदर later stage में जाएंगे, especially after राहु देज 42, especially after राहु का जब भाग्यदेश year होता 42 उसके बाद। ठीक है, दशम का राहु if it is aspected, दशम के राहु के अंदर अगर कर्म स्थान में राहु है, ऐसे केस के अंदर अगर चंद्रमा या गुरु अच्छे नहीं है तो ये व्यक्ति अपने कर्म के लिए गलत काम कर लेगा, बहुत आसानी से अच्छे नहीं है तो ये तुरंत गलत काम कर लेगा अपने धंधे के लिए कोई भी। अगर गुरु भी पीड़ित है या चंद्रमा भी पीड़ित है तो वो तुरंत गलत काम कर लेगा व्यापार के लिए कुछ भी। ठीक है, इट इज लाइक टेंथ हाउस राहु, आई हैव सीन इट इज वेरी गुड फॉर टैक्स सेविंग, वेरी गुड फॉर टैक्स सेविंग, उनको वो कला आएगी अपने आप ही, चाहे खुद जरूरी नहीं है कि सीए ही, अपने आप वो कला आएगी। दशम के राहु के अंदर उठा पटक वाले काम, ठीक है, तो माइंड मेरा दशम का राहु इवेंट मैनेजमेंट सबसे उठा पटक का काम, कहीं 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 का रोड़ा, दिन भर यही काम, रोज नई चीज। एंड देन फैक्टर ऑफ अनएक्सपेक्टेशन, फैक्टर ऑफ सस्पेंस, अभी फोन आ जाएगा कल सुबह ये काम है, चार दर लगेंगे। ठीक है, ओवरऑल इट इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर राहु, बट इफ इट इज विद 8th हाउस लॉर्ड, 6th हाउस लॉर्ड, 12th हाउस लॉर्ड, और इफ इट इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, एस्पेक्टेड बाय मंगल, दिस राहु कैन लाइक इस वो अपना करियर को लाइफ लॉन्ग सेटल नहीं होने देंगे, लाइफ लॉन्ग सेटल नहीं होने देंगे, स्पेशली ज्ञान स्तर तो नहीं होने देंगे कुछ भी करना। ठीक है, तो दशम का राहु देखने में सावधानी रखना, बट दीज पीपल हु हैज गॉट 10th राहु दे हैव अ विजन, ऑलवेज दे विल हैव अ विजन, दे विल हैव अ आइडिया, हमेशा दे विल हैव अ फुल फ्लेज आइडिया, बट दे वॉन्ट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली, दे वॉन्ट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली 10th हाउस राहु। ठीक है, दशम का राहु मैंने देखा राहु की बादशाह में परेशान करता है, दौड़ाता है, बहुत दौड़ा है राहु की बादशाह में परेशान करता है, मीनियल जॉब कराएगा, मीनियल जॉब, छोटे छोटे काम कराएगा, दौड़ भाग ये वो। 10th हाउस राहु का वर्कहोलिक पीपल, दे आर वर्कहोलिक, दे विल नेवर गेट टायर्ड, क्योंकि 24 घंटे उनको कर्म ही दिमाग में रहता है। राहु इज थॉट केवल कर्म का ही थॉट आता है, उसमें सावधानी केवल ये देखनी है कि अगर ये राहु गलत है तो कभी भी काम सेट नहीं होगा, कभी कुछ भी होगा। ठीक है, अगर जो उसका एक्सपेक्टेशन है काम को लेकर, जो उसका कैलिवर है काम को लेकर, वो स्केल कभी नहीं आने देगी अगर गलत है। सो 11th हाउस राहु इज वेरी गुड, सो 11th हाउस सबसे बड़ा अपने जेंडर में घर के अंदर, इट इज गुड फॉर इच्छा पूर्ति, सभी तरीके की इच्छाएं 11वें स्थान का राहु पूरी करता है।
क्योंकि जो इच्छा राहु पूरी कर सकता है वो कोई और प्लेनेट पूरी नहीं कर सकता। आपकी इच्छा हो तो गर्दन भी काट के ला के दे देंगे। ठीक है, सो 11th हाउस राहु इज वेरी गुड। कुछ भी कर सकता है राहु भाई। गुरु कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गुरु के पास बंधन है। शुभ प्लेनेट के पास बंधन है, वो बेचारा सीधे रास्ते चलेगा, दो और दो चार ही करेगा, तो वो धीरे धीरे चलेगा, देगा तो शांति के साथ देगा लंबे समय के लिए देगा। अब ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना, इनका क्या है? इनका तो कोई नियम ही नहीं है। तो 11th हाउस राहु इसीलिए बहुत अच्छा, इट इज वेरी गुड फॉर शेयर सट्टा। आपके नाम पर शेयर खरीदो आप, ठीक है, क्योंकि वो 11वें स्थान पर राहु, पंचम में केतु, मतलब 5-11 के अंदर राहु। अच्छा, 5th हाउस राहु ऑल्सो इफ इट इज अस्पेक्टेड बाय शुभ प्लेनेट इज वेरी गुड फॉर शेयर मार्केट। ठीक है, 11th हाउस राहु वालों को मैं बोलता हूँ, कोई भी इच्छा हो एक बार मन में रखो, उसके बाद छोड़ दो, हो जाएगी अपने आप पूरी, परेशान मत हो, अपने आप हो जाएगी किसी भी दिन पूरी। ठीक है, तो 11th हाउस राहु इसी तरीके का विजन रहता है, इसी तरीके का विजन रहता है कि बहुत बड़े, ये जो राहु मतलब कि बहुत बड़ा कोई भी चीज छोटी बात है, हो ही नहीं रही ना यार। हाँ, सीधे अमृत से, छोटी कोई बात नहीं वहां पर। ठीक है, सो इट इज अ गुड प्लेसमेंट, इट इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट फॉर योर ब्रदर। तो इसमें फ्रेंड्स के अंदर जो है, अगर अकेला है राहु तो फिर जो है चंडाल चौकड़ी जम सकती है, गलत तरीके की चौकड़ी जम सकती है। बट सिंस इट इज विद वीनस इन योर केस, देन द फ्रेंड सर्किल विल बी ओके, क्योंकि वीनस और राहु वैसे भी मित्र है और वीनस स्वराशी है। ठीक है, तो हाँ, और ज्यादा तो होंगे नहीं क्योंकि 11वें स्थान में राहु है। ठीक है, इट इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट फॉर बिग ब्रदर। यस, 11th हाउस राहु सिंस केतु इन द 5th हाउस कैन क्रिएट अबॉर्शन इन अर्ली स्टेज। ठीक है, 11वें स्थान के राहु का के संतान के पीछे उसका मन रहता है, वो संतान के पीछे पीछे भागता है, संतान आगे आगे भागती है। ठीक है, तो उसकी कोई भी सुई जो है वो संतान में जाकर रुक जाती है। ठीक है, दिस इज इट इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर राहु। चलो, आज बोरिंग हो रही है क्या? इनकम सोर्स, मल्टीपल इनकम सोर्स, नेगेटिव, अनएक्सपेक्टेड शेयर सट्टा लॉटरी, सडन, इनके नाम से काम तुरंत राइज। दे कैन राख बेच के भी पैसा कमा लेता है 11वें स्थान का राहु। ठीक है, तो जो भी चीज में किसी को नहीं मिले उसको उसको मिल जाए, क्योंकि राहु है 11वें स्थान। तो इच्छा पूर्ति के लिए इट इज गुड, 3-11 में पाप करे अच्छे होते, इट इज गुड। इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन ईयर्स, यहाँ पर कानों में नीचे वाले पोर्शन में। इट कैन क्रिएट सर्वाइकल का पेन क्रिएट कर सकता है, या फिर जिस राशि में बैठा उसके हिसाब से वो पेन क्रिएट कर सकता है। कंजेशन, आप जब किसी की बीमारी देखोगे तो एक तो वो हाउस में कौन सा अंग आता है, वो जो राशि रहती है उसमें कौन सा अंग आता है। तो अगर वो राशि का लॉर्ड सेफ है तो वो राशि वाला अंग हट जाएगा, हाउस वाला आ जाएगा। राशि का लॉर्ड पिटा है तो वो राशि वाला लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 11वें स्थान का राहु। 12वें स्थान का राहु विदेश, 12th हाउस राहु विल टेक यू टू द फॉरेन लैंड, और जेल यात्रा, ऐसे लोगों का हिसाब कभी नहीं मिलेगा, खर्चा कायम हो रहा है, कभी जीवन में पता नहीं चलेगा, वो हमेशा ऐसे मिलेंगे। पैसे बहुत आते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते, समझ में ही नहीं आता कहाँ चले जाते। ठीक है, दीज पीपल कैन गो टू फॉरेन लैंड इजिली, 12th हाउस राहु विल टेक यू टू द फॉरेन लैंड। 4th हाउस, 9th हाउस राहु ऑल्सो विल टेक यू टू द फॉरेन लैंड। राहु इज अ प्लेनेट फॉर फॉरेन। ठीक है, 4th हाउस, 9th हाउस राहु विल टेक यू टू द फॉरेन लैंड। ठीक है, और 12th हाउस राहु में एक तो खर्चा बीमारी के अंदर, कोई ले गया तो पैसे वापस नहीं आए, अस्पताल में डूब गए, चोरी हो गए, ये चीज। 12th हाउस राहु पीपल आर जनरली नॉट गुड पीपल, 12वें स्थान का राहु के लोग जनरली अच्छे लोग नहीं होते। ठीक है, हाँ, दे कैन हैव अ टेंडेंसी ऑफ लाइक
चीटिंग स्टीलिंग बारहवें स्थान का राहु यहाँ पर होता है बारहवें स्थान तो बहुत ज्यादा सोना या बिल्कुल नहीं सोना इट कैन बी ए कॉम्बिनेशन फॉर डिप्रेशन ऑल्सो इट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर राहु ठीक है 12th हाउस राहु वाले का जो बच्चा होता है ना वो अपना लास्ट क्योंकि बारहवें स्थान में राहु होता है वो लास्ट वर्ड की बहुत सारी मेमोरीज लेके आता है शुरू में इसलिए वो इनिशियल ईयर में याद रहता है उसको इसलिए वो बीमार भी रहता है डरता है उसको दिखता है उसको चीजें दिखती है कुछ वो डरता है मतलब उसको वो चीजें कुछ मेमोरीज पिछले जन्म की लेके आता है बारहवें स्थान का राहु वाला अब उसको समझता तो है नहीं कि ये क्या दिख रहा है मुझे क्या हो रहा है वो चीज इट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर तंत्र मंत्र होते हैं ऐसे लोगों को तंत्र नजर ये सब नजर जेल यात्रा इट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर राहु अदर देन दिस दैट इट विल टेक यू टू द फॉरेन लैंड ठीक है 12th राहु एस्पेक्टेड बाय जुपिटर इज वेरी गुड 12th राहु विथ वीनस इन द 12th हाउस इज वेरी गुड इट विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ देन ठीक है